दिन हम डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ हाउ हैबिट वर्क, यानी हैबिट लूप हम समझेंगे, और थर्ड हम एक्टिविटी करेंगे सब मिलके और देखेंगे कि कैसे जो हैबिट हम सब बनाना चाहते हैं उनको चार लोज की हेल्प से कैसे बना सकते हैं। तो आप सबको सारी बातें ध्यान से सुननी और समझनी है ताकि थर्ड पॉइंट में जब हम एक्टिविटी करें तो आप सब अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। सबसे पहले चैप्टर थर्ड का जो टाइटल है हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन फोर सिंपल स्टेप्स, इसमें ऑथर हमें एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की थ्योरी से समझाते हैं। हालांकि ये वाली थ्योरी ऑथर इनसे इनके एक्सपेरिमेंट से समझा रहे हैं, बट ये एक्सपेरिमेंट हम सब ने अपने घर में देखा हुआ है। जब भी घर में चूहे ज्यादा हो जाते हैं तो हम सब क्या करते हैं, पिंजरा लगाते हैं ताकि चूहे उसमें आ जाए, और जब वो पिंजरे में चूहा घुस जाता है तो वो हम देखते हैं उसको कैसे वो हर तरफ से निकलने की कोशिश करता है, और फाइनली कई बार होता है कि उसको लूप होल कोई मिल जाता है और वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। तो पहली बार तो उसको उस रास्ते को ढूंढने में टाइम लगता है, बट दूसरी तीसरी बार वो आराम से आता है, रोटी लेता है और चला जाता है क्योंकि उसको वो रास्ता मिल गया है। तो पहले दूसरी बार उसको टाइम लगा, पर आगे वाले टाइम में वो उसको इजीली कर पाएगा। तो ऑथर उसी एक्सपेरिमेंट, लगभग वैसे ही एक्सपेरिमेंट हमें बताते हैं कि कैसे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया था, कि उन्होंने एक पिंजरे में कैट को डाल दिया था और कैट फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद कैट एक लीवर को ढूंढ लेती है और वो उसको प्रेस करके निकल जाती है। पहली बार उसको टाइम लगता है पर फिर वो धीरे धीरे उसका टाइम रिड्यूस होने लगता है। तो इसको ही हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। जब हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे तो एक पार्टिसिपेंट का ये क्वेरी थी कि क्या हम ऐसे ट्रायल एंड एरर करते रहे, तो हाँ ये करते ही रहना होगा। इसको हम और अच्छे से देखते हैं कैसे उसे समझाते हैं नेक्स्ट पेज पे कि बाय योर ब्रेन बिल्ड हैबिट। हमारा एक्चुअली ये हमारा ब्रेन हैबिट बनाता क्यों है, जब भी हमारे जीवन में हमारे सामने कोई नई सिचुएशन आती है तो हमारे ब्रेन के सामने एक टास्क होता है कि उसको डिसीजन लेना होता है उसी समय कि वो उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करे। तो जब सबसे पहली बार हम उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं होता, जैसे कि इस केस में कैट को कोई आइडिया नहीं था कि वो कैसे पिंजरे से बाहर निकले। तो उस टाइम पे न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है ब्रेन की वो बहुत हाई होती है, और जैसे ओकेजनली कैट को वो लीवर मिल गया या रैट को वो लूप होल कहीं से छेद दिख जाता है पिंजरे में तो वो सॉल्यूशन उसे मिल जाता है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, यू आर एक्सप्लोरिंग एंड देन एकदम से वो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है, तो हम एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ ये वाली चीज को मैं इस तरीके से करूंगा तो ये परफेक्ट है। तो इसी को ही ऑथर कहते हैं फीडबैक लूप की तरह है, और इसको साइकोलॉजी में फीडबैक लूप बिहाइंड ऑल ह्यूमन बिहेवियर के रूप में जाना जाता है, जिसमें चार मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले ट्राई, फेल, लर्न, ट्राई डिफरेंटली, और ये साइकिल चलती रहती है। मतलब कि हमें ट्रायल एंड एरर करते रहना होगा जब तक एकदम, मतलब जब हम परफेक्ट सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे तो खुद ही मन को मन में का अजीब सा अलग सा फीलिंग होगी कि हाँ ये सबसे बेस्ट चीज है और इसको ही मैं लॉन्ग रन में कर सकता हूँ। तो नीचे ग्राफिक में अच्छे से समझाया हुआ है कि आपने ट्राई किया, वो मेथड आपको सूट नहीं किया, फिर आपने फीडबैक भी रिसीव किया और उसे फिर आपने चेंजेस इम्प्लीमेंट किए, फिर दोबारा ट्राई किया, फिर ऐसे साइकिल चलते चलते बीच में आप सक्सेस को अचीव कर लोगे, ऐसा ऑथर कहते हैं। तो फिर हम देखते हैं ऑथर कहते हैं कि विद प्रैक्टिस आप जैसा उस काम को रिपीट करते जाओगे, साइकिल को बार बार दोहराते जाओगे, यूजलेस मोमेंट फेड होते जाएंगे और यूजफुल एक्शन गेट रीइंफोर्स। आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे कि जो हैबिट आप बनाना चाह रहे हो उसमें से आप यूजलेस मूवमेंट को धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हो अनकॉन्शियसली, और इसी को ही हैबिट फॉर्मिंग बोलते हैं। अब ऑथर बताते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम रिपीटेडली आती है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस को सॉल्व करना शुरू कर चुका होता है। तो हैबिट को हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हैबिट और कुछ नहीं बल्कि सीरीज ऑफ ऑटोमेटिक सॉल्यूशन है। कई बार हम अनकॉन्शियसली कई सारी हैबिट्स बना लेते हैं,
अब तो हम हैबिट बनाना सीख रहे हैं, बट हमने अब तक क्या किया? अनकॉन्शियसली बहुत सारी हैबिट बनाई है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आई, हमने फिर उसका एक ऑटोमेटिक सॉल्यूशन अपने सबकॉन्शियस में तैयार कर लिया और उसको ही अप्रोच कर रहे हैं। तो इसके बाद ऑथर साइंटिस्ट जेसन रेहा का कोट हमें बताते हैं, जो उन्होंने हैबिट को डिफाइन करते हुए बताया कि हैबिट आर सिंपली रिलायबल सॉल्यूशन टू रिकरिंग प्रॉब्लम, यानी कि जो चीजें बार बार हो रही है तो उस पे रिलायबल सॉल्यूशन के फॉर्म में हैबिट हमारी हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस बुक का मतलब सार है एक तरीके से, साइंस ऑफ हाउ हैबिट वर्क, क्योंकि इस बुक से हम क्या सीख रहे हैं कि कैसे हैबिट बनती है, तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है वो हम समझते हैं। तो चार स्टेजेस होते हैं हैबिट बनने की। सबसे पहले क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, इनको हम याद कर लें। याद करना भी इजी है, पहले दो वाली क्यू से शुरू होती हैं और लास्ट दो वाली आर से, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। तो इसको हम एग्जांपल से याद रखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि यहाँ नीचे पिक्चर में शो किया हुआ है कि आपके फोन पे एकदम अलर्ट या फिर कोई रिंगटोन बजी, बज हुआ आपका फोन, तो ये क्या है? क्यू, मतलब कि जो हमें सबसे पहले क्यू मिलता है वो सबसे फर्स्ट इवेंट है इसमें। फिर सेकंड क्या होगा कि आपके मन में इच्छा होगी कि मैं पढ़ता हूँ इस मैसेज में क्या लिखा है, तो वो क्या हुई? क्रेविंग हुई। और थर्ड है रिस्पॉन्स, आपने फोन उठाया और उसको पढ़ा, तो ये क्या हुआ? रिस्पॉन्स किया आपने। और फोर्थ क्या है? रिवॉर्ड, यू सेटिस्फाई यूर क्रेविंग टू रीड दिस मैसेज, तो मतलब मैसेज पढ़ के जो आपने मन को शांत किया या संतुष्ट किया, क्रेविंग को शांत किया, तो वो क्या है? रिवॉर्ड है। तो सबसे पहले क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, इस तरह से ये लीनियर प्रोसेस या लूप हम कहीं चलता है। इसको हम और अच्छे से इस वाले डायग्राम से भी समझ सकते हैं। क्यू मतलब सबसे पहले हम उस चीज को देखते हैं, मैंने उसको देखा या फिर सुना, मतलब हमारी सेंसेस आईज या ईयर से वो काम करने का इंस्ट्रक्शन हमारे माइंड तक गई, तो वो क्या है? क्यू। इस केस में, ऊपर वाले केस में हमने मतलब सुना कि मैसेज का अलर्ट रिंग हुआ, तो वो क्या थी? क्यू। और फिर सेकंड पॉइंट है क्रेविंग, मतलब कुछ मोटिवेशन होना अंदर से या फिर कुछ इनर हमारी कॉलिंग आई कि ये मुझे करना चाहिए। फिर रिस्पॉन्स मतलब आप उस काम को करते हो, और रिवॉर्ड मतलब फाइनली जो सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए थी वो आपने ले ली। इसको हम पिछले वाली डायग्राम से रिवाइज करते हैं, जो हमने कुकी वाला एग्जांपल से समझा था कि बिस्किट का दिखना क्या है? क्यू है। फिर आपका मतलब अंदर जो है इच्छा होना कि मैं उसको खाता हूँ, वो क्रेविंग है। और थर्ड आपने उसको खाया, और फोर्थ मतलब जो सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये हम बार बार इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अब जो एक्टिविटी होगी उसमें आप सबको पार्टिसिपेट करके इन चारों पार्ट्स पे ही अपना इंट्रोस्पेक्शन बताना है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्हीं चार स्टेजेस को ऑथर ने चार लॉज में बदल दिया। कैसे? ये इस बुक का मतलब सोल है एक तरीके से। इस बुक में जो हैबिट फॉर्मेशन है वो इन चार लॉ की हेल्प से ही हम करेंगे। जैसे हमने सीखा कि पहला क्या है? क्यू। उसको ऑथर ने पहला लॉ बना दिया कि मेक इट ऑब्वियस। जैसे बिस्किट दिखा तभी तो खाने की इच्छा हुई और हमने उसको खाया, तो क्यू क्या है? उसको वो चीज जिसको हम हैबिट बनाना चाहते हैं उसको ऐसा कर ले कि वो हमें दिखती रहे, ताकि हमारा दिमाग उस तरफ जाए। मतलब हमने सुना है कि कई बार हम करते भी ऐसा, जो भी हमारा गोल है वो लिख लेते हैं दीवार पे, तो वो क्या है? मतलब ताकि वो चीज हमें दिखती रहे और हमें याद रहे, क्योंकि हमारे दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू ही जाती है, तो आईज और ईयर्स तक वो बात जाती रहे, ऐसा कुछ करे, तो वो क्या है? फर्स्ट लॉ क्यू बनाना। और सेकेंड लॉ है क्रेविंग। अब क्यू हमने बना दी, बट क्रेविंग मतलब उसको अट्रैक्टिव बनाना। लिख तो दिया कि ये काम हमें करना है, बट वो काम करने की इच्छा हमारे मन में हो, इसलिए वो काम अट्रैक्टिव होना चाहिए। तीसरा, वो काम इजी होना चाहिए ताकि हम उसको तुरंत कर सके। और फोर्थ है मतलब काम हो जाने के बाद जो हम अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं, ये भी होना चाहिए ताकि हम उस हैबिट को लॉन्ग रन में करते रहें। वरना अगर हम रिवॉर्ड नहीं देंगे तो हमें भी एक दो दिन करके रह जाए और
फिर वो हैबिट बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसको हम नेक्स्ट डायग्राम से और अच्छे से समझते हैं कि जैसे चार लोज हैं इसमें। हमने अभी देखा कि जो चार लोज हमने गुड हैबिट बनाने में यूज करने हैं, बैड हैबिट को ब्रेक करने में बस उनका रिवर्स करना है। जैसे कि क्यू बनाने के लिए हमें क्या करना है, उस चीज को ऑब्वियस बना देना है। जैसे कि मेरे को ये करना है कि सुबह रोज उठ के जॉगिंग पे जाना है, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने लिए अच्छे स्पोर्ट्स शूज लेके आती हूँ और वो बेड के सामने रख देती हूँ ताकि उठते ही मुझे वो दिखे। तो मैंने उसको क्या कर दिया, ऑब्वियस बना दिया, क्यों बना दी, ताकि वो काम रोज मुझे याद आता रहे। फिर मेक इट अट्रैक्टिव, तो शूज भी मैं कोई सिंपल वाले नहीं लाती, बहुत अच्छे वाले लाती हूँ ताकि रोज मेरा उनको पहनने का मन करे। तो इस तरह से मैंने उसको अट्रैक्टिव बना दिया। थर्ड है मेक इट इजी। इजी मतलब एकदम ये ना सोचू कि मैं बहुत लॉन्ग रेस लगा के आऊंगी, थोड़ा सा मतलब सिर्फ एक लंबा राउंड लगाया हूँ, बस इतना सा मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करूँ ताकि वो इजी रहे। तो ये थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप, वो होने के बाद मतलब इस हैबिट को परफॉर्म करने के बाद मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूँ। इसके बाद ब्रेकिंग बैड हैबिट के लिए हमें क्या करना होगा। अब जैसे कि फर्स्ट स्टेप है इसमें मेक इट इनविजिबल। अब मेरी बहुत आदत है मान लो व्हाट्सएप बार बार खोल के देखने की, तो मैं क्या करूं, व्हाट्सएप का जो आइकन है फोन पे से उसको कहीं मतलब दूसरे तीसरे, जैसे फोन में क्या होता है आजकल हम स्लाइड करके दूसरी तीसरी स्क्रीन पे चले जाते हैं, तो एकदम जो स्क्रीन में खोलूं व्हाट्सएप का आइकन मुझे वहां ना दिखे, दो तीन बार स्लाइड करने के बाद दिखे, तो मैंने उसको इनविजिबल बना दिया। मतलब वो मुझे एकदम नहीं दिखेगा, तो शायद मेरी वो आदत थोड़ी कम होती जाए। और फिर मेक इट अनअट्रैक्टिव, मतलब कि उसका उसके जो नुकसान है वो मैं अपने आप को बताऊं। और मेक इट हार्ड एंड मेक इट अनसेटिस्फाइंग, इन सबको हम आगे एक्टिविटी से समझते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी है, जैसे लास्ट टाइम हम सब ने डिस्कस किया था कि क्या टाइनी चेंजेस हम अपने आप में लेके आएंगे। तो उस ग्रुप डिस्कशन में जो ऑब्जर्वेशन रही वो कुछ इस तरह थी कि कुछ ग्रुप मेंबर्स ने बताया कि हम ये गुड हैबिट बनाना चाहते हैं, और कुछ ने बताया कि ये हमारी बैड हैबिट है, इसे हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, और कुछ ने ये देखने को मिला कि हैबिट का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। जैसे कि हैबिट अगर हम कहें तो हैबिट मतलब बहुत स्पेसिफिक होना। मैं ये नहीं कह सकती कि टाइम मैनेजमेंट को मैं एक हैबिट बनाना चाहती। टाइम मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। टाइम मैनेजमेंट अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं गुड टाइम मैनेजर हूँ, तो ये मेरी हैबिट नहीं, ये पार्ट ऑफ माय नेचर है। पर हैबिट क्या है, मोर स्पेसिफिक थिंग। तो टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए जो रोज मैं स्टेप ले रही हूँ, जो रोज उनको टाइनी पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, वो हैबिट है। तो हैबिट इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम, नॉट ए गोल। मतलब हैबिट छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के जब हम हैबिट अपनी सोचें कि क्या हम बनाना चाहते हैं, तो स्पेसिफिक होना है। जो हम हैबिट बनाना चाहते हैं उसको और टाइनी पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब आप सब ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाओ। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ असाइनमेंट है आप सबके लिए। मतलब सबसे पहले गुड हैबिट, अगर एक मदर अपने बच्चे को सिखाना चाहती है कि वो ग्रीन वेजिटेबल रोज खाए, तो आप में से कोई भी बताना चाहेगा कि कैसे वो फोर स्टेप का फॉर्मूला यूज करके अपने चाइल्ड को ग्रीन वेजिटेबल खिलाना सिखा सकती है। मतलब क्यू, क्रेविंग और रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। फ्रिज को भर देंगे एक तो ग्रीन वेजिटेबल से आगे आगे, और टेबल पे जहाँ खाना खाने के लिए रख रहे हैं वहाँ पे सैलेड्स वगैरह भर के रख सकते हैं। दो चीज़ तो ये होगी, क्यू और क्रेविंग। रिवॉर्ड में ये होना चाहिए कि आप ग्रीन वेजिटेबल खाओ, फिर उसके बाद आपको अपना फेवरेट डिश, अगर किसी को आइसक्रीम चाहिए तो वेजिटेबल के बाद ही वो मिलेगा, तो ये भी एक आप मोटिवेशन होगा खाने के लिए। मतलब आप सबको समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट अच्छी से, और कोई इसी पे शेयर करना चाहेगा?
तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम बुक रीडिंग का भी हम सब ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, काफी पार्टिसिपेंट्स ने कहा था कि हम बुक रीडिंग को हैबिट बनाना चाहते हैं, तो इस पे तो हर कोई शेयर करे क्योंकि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं है बुक रीडिंग, वो तभी हम इस सेशन में आते हैं, इस सेशन से जुड़ते हैं, तो इसको हैबिट तो हम सब बनाना चाहते हैं, तो 4 स्टेप्स में हम सब क्या करेंगे कि वो बुक रीडिंग हमारी हैबिट बन जाए? क्यू, क्रेविंग और रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। बुक रीडिंग में मुझे लगता है अपने सराउंडिंग में आसपास अपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को छोड़ के आप मोबाइल ही रखे, चाहे आप बेड पे टेबल पे काम कर रहे हैं कहीं पे भी है, तो आपको एसेसिबल बुक ही होने चाहिए ताकि आपके सराउंडिंग में जो विजिबिलिटी पार्ट है वो बुक्स रहेंगे तो आप इजीली बुक को एक्सेस कर सकते हैं रादर देन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो आपका बुक रीडिंग उससे शुरू हो सकता है। क्रेविंग में ये कर सकते हैं कि अपना जो हमें मतलब जो अच्छे टॉपिक्स लगते हैं, जो हमारे इंटरेस्टेड चीजें हैं, उसके रिगार्डिंग बुक्स अपने आसपास रखेंगे, और विशेषकर जैसे फ्रिज के ऊपर, कई बार हम फ्रिज देखते हैं बेड के ऊपर, ये हो गया, और खुद को बस ये तो बोले कि ये दो शायद तीन पेज क्यों हुआ, मतलब कि हम जो बुक फ्रिज पे रख रहे हैं ताकि वो हमें दिखती रहे, तो ये क्यों का ये पार्ट क्यों है? हुआ। हाँ, क्रेविंग में ये हो गया ना, हमारी जो टाइटल थोड़ा अच्छा सा हो। क्रेविंग अपने इंटरेस्टेड टॉपिक पे आप बुक पढ़े, जो भी चीज़ किसी को स्पोर्ट्स की अगर इंटरेस्ट है तो पहले स्पोर्ट्स बुक से शुरुआत करें उसकी, तो शायद वो क्रेविंग और अट्रैक्शन में आ सकता है। उसके बाद धीरे धीरे डिफरेंट जनरेशन में शिफ्ट करेंगे। रिवॉर्ड में ये दे सकते हैं कि हमें लाइक न्यूज सुनने का शौक है या कुछ करने का शौक है, तो खुद को ये बोल सकते हैं कि आप बुक पढ़ेंगे तो उसके बाद हम ये कर सकेंगे, ये रिवॉर्ड हो सकता है, या नेट में जा सकेंगे, व्हाट्सएप चेक करें, खुद को ऐसे बोलेंगे हमें ये मिलेगा। ऐसा कुछ भी खुद के लिए बुक पढ़ने से ऐसे भी हो सकता है कि आपको कंटिन्यूअस लर्निंग होता है, आप नॉलेजेबल होते हैं और वो नॉलेज और लर्निंग्स आप दूसरों के साथ शेयर करके आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और आपका मतलब आप खुद कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं और आपका रेस्पेक्ट भी बाकी लोगों के सामने आपका बढ़ता है, तो ये काइंड ऑफ रिवॉर्ड है मेरे लिए। जी, बाकी बाकी सब तो इसमें जो हमारे ग्रुप पे हर बार जो ये जूम सेशन का लिंक आता है, तो ये क्या है, मतलब किस कैटेगरी में हम उसको डालेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। इसको विजिबिलिटी में आना चाहिए क्योंकि आपके पास एक नोटिफिकेशन आया कि इस चीज में, फिर आपका अटेंशन वहां पे जाता है, तो क्यू में आना चाहिए इसको। बल्कि इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में पिन कर सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारा ये रीडिंग चैलेंज ग्रुप है ये, तो देन हम सबसे पहले उसे ओपन करें, ऐसे क्यू और बना सकते हैं इसको। और क्या हम करें कि हम हर बार इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट हो, मतलब रिस्पॉन्स वाला पार्ट किसी ने नहीं अब तक बताया? तो हम ऐसे नेक्स्ट मतलब इस पे शायद हमें सोचने की जरूरत है कि क्या वो चीज है जो हमें रोकती है हर बार शेयर करने से, वरना हम सब अच्छा बुक रीडर बनना चाहते हैं, क्यों भी हमारे सामने हर बार लिंक आता है, और अच्छी बुक भी मतलब हम कोई भी चाहे अब हमारी मर्जी से ले सकते हैं, फिर रिस्पॉन्स में कहाँ चैलेंज आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, इस पे हम सबको सोचना है। फिर थर्ड हमने अभी डिस्कस किया है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कि जैसे मैं अच्छे स्पोर्ट्स शूज या स्पोर्ट ड्रेस लेके आऊँ अपने लिए, ताकि
मैं रोज फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट हूँ। उसके बाद जैसे बैड हैबिट्स में भी हम डिस्कस किया अभी कि लास्ट टाइम किसी ने कहा था कि मेरे को स्क्रीन टाइम अपना कम करना है, तो ये मतलब हैबिट हम इसको शायद ना कहें क्योंकि ये एक बड़ा एस्पेक्ट है, बड़ा डायमेंशन है इसमें, तो इसलिए हमें बहुत स्पेसिफिक होते जाना कि किस चीज को हम हैबिट कह रहे हैं और किसको नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि हाउ टू क्रिएट ए गुड हैबिट। तो ये एक तरह से इस पूरी बुक का सार यहाँ पे इस पेज में है, क्योंकि पूरी बुक में बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स ऑथर ने हमें दिए हैं। मेक इट ऑब्वियस वाला जो फर्स्ट लॉ है, उसमें ऑथर हमें चार टूल्स की हेल्प से उसको ऑब्वियस बनाना सिखाएंगे। जैसे अभी हमने एक्टिविटी की, अभी शायद हमें दिक्कत हो रही थी सोचने में, बट धीरे धीरे जैसे हम प्रोसीड करेंगे सब चीजें हम सीख जाएंगे, क्योंकि ऑथर ने स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताया है। फर्स्ट नेक्स्ट सेशन में जैसे हम देखेंगे कि हैबिट स्कोर कार्ड कैसे बनाते हैं, जिसको हम पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम भी बोलते हैं, और नेक्स्ट में हम फिर हैबिट इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन सीखेंगे, और फिर हैबिट्स चेकिंग, इस तरह मेक इट अट्रैक्टिव, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे वो भी ऑथर हमें सिखाएंगे, उसको इजी बनाने के लिए ताकि हर बार हम वो करें वो भी ऑथर हमें सिखाएंगे, और मेक इट सेटिस्फाइंग, कैसे हम रिवॉर्ड दें अपने आप को ताकि उस साइकिल को हम रिपीट करते जाएं, तो वो भी हम सब सीखेंगे साथ मिलके। अब हम आ जाते हैं कि बैड हैबिट को कैसे रिवर्ट करना है। बैड हैबिट को रिवर्ट करने का भी वही जो हम सब ने देखा भी कि उसमें हम क्या कर रहे थे, क्यू से हम उसको विजिबल कर रहे थे, बट बैड हैबिट जो चीज हमें लगता है नहीं करनी उसको इनविजिबल कर दो, मतलब उसको दिखे ना वो, हमें हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचे ना कि ये भी कोई चीज है जो हमें करनी है, वो ऐसा कर दो उसको, और क्रेविंग ना हो उसके लिए उसको अनअट्रैक्टिव बना दो, और मेक इट डिफिकल्ट और मेक इट अनसेटिस्फाइंग, मतलब इसमें हम मतलब अपने आपको कुछ सिंपल पनिशमेंट दे सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम वो ना करें। उसके बाद इसमें भी ऑथर हमें सिखाएंगे कि कैसे हम सब वो करेंगे, उसको इनविजिबल कैसे बनाएंगे कि उसका एक्सपोजर कम कर दें, और अनअट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे कि माइंडसेट अपना रीफ्रेम करें उसके रिगार्डिंग, उसको डिफिकल्ट कैसे बनाएंगे, उस तक पहुंचना मुश्किल बना दें अपने आप के लिए, जैसे फ्रिक्शन क्रिएट करें ताकि काफी स्टेप्स लेके हम उस हैबिट तक पहुंचे, ताकि फिर आगे से हमारा माइंड उसको करने में रेजिस्ट करे, और नेक्स्ट है मेक इट अनसेटिस्फाइंग, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें लिखा हुआ है जैसे गेट एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, आस्क समवन टू वॉच योर बिहेवियर, मतलब कि हम कोई ऐसा फ्रेंड या ऐसा अपना टीचर अपने साथ रखें जो हमेशा मतलब हमें मोटिवेट करे, हमारे हमारी अकाउंटेबिलिटी सेट करे, ताकि हम उसे दोबारा से ना रिपीट करें, और क्रिएट ए हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो एक तरह से ओवरव्यू इसमें हमने देखा कि आगे की बुक कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल से समझते हैं इसे, और कि कैसे जो पहले दो पार्ट है क्यू और क्रेविंग वो प्रॉब्लम फेस है, और नेक्स्ट दो पार्ट है वो रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड वो सोल्यूशन है। जैसे कि सुबह उठते ही किसी को टी या कॉफी की आदत होती है, तो क्यू क्या है इसमें, मतलब सुबह उठना और फिर स्लीपी फील करना, तो इसमें क्यू क्या है, स्लीपी फील होना, ये क्यू है। क्रेविंग क्या होती है, हमारी इच्छा होती है कि मुझे एकदम फ्रेश होना है, मतलब ताकि जो स्लीपीनेस वाली फीलिंग है वो चली जाए, तो ये दोनों चीज जो है क्यू और क्रेविंग ये प्रॉब्लम फेस है, और इनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो आर आर वाले दोनों चीजें हैं वो हम करते हैं। रिस्पॉन्स मतलब मेक ए कप ऑफ कॉफी, हम रिस्पॉन्ड करते हैं कॉफी बना के, और रिवॉर्ड क्या देते हैं, द स्मेल ऑफ फ्रेशली ब्रूड कॉफी इमिडिएटली सिग्नल मी दैट आई कैन स्टार्ट द डे नाउ, मतलब उसको पीने के बाद जो एकदम फ्रेश हम हो जाते हैं वो भी अपने आप एक रिवॉर्ड है। तो ये नीचे वाले पिक्चर से हम अच्छे से इसको याद रख पाएंगे कि पहली जो दो बातें हैं, एकदम स्लीपी फील होना ये क्या है, क्यू, फिर क्रेविंग होना कि हाँ कॉफी पीने से मैं एकदम एनर्जेटिक हो जाऊंगा, तो वो क्रेविंग है, फिर हमने कॉफी बनाई वो रिस्पॉन्स, और
कॉफी पी के जो मजा आया वो है रिपोर्ट। तो पहली दो बातें प्रॉब्लम और लास्ट दो बातें सोल्यूशन है। तो अब तक तो सबको ये चार बातें याद हो गई होंगी। अब ऑथर बताते हैं कि जेम्स क्लियर आर्ग्यू दैट विदाउट ऑल दीज स्टेप्स द बिहेवियर विल नॉट अकर। मतलब एक बिहेवियर को सरफेस पे आने के लिए इन चार चीजों से गुजरना पड़ता है। सो वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस प्रोसेस। पर अभी तक हम कर रहे थे अनकॉन्शियसली, बट आज हम अवेयर हो गए कि ये सिस्टम ऐसे काम करता है, तभी हम अच्छे सिस्टम को बना पाएंगे और बैड सिस्टम्स को तोड़ पाएंगे। फिर ऑथर कहते हैं कि ओनली प्रॉब्लम इज दैट बैड हैबिट ऑफर्स एन आउटकम दैट फील गुड इमीडिएटली। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार हम बैड हैबिट बनाते हैं तो वो क्या है कि उसमें जो आउटकम होता है, जो रिवॉर्ड होता है, वो इमीडिएट होता है। मतलब वी फील गुड इमीडिएटली बट इन लॉन्ग रन दैट इज बैड। जैसे सुबह उठते कॉफी पी लेना, शॉर्ट टर्म में तो हमें अच्छा लगा, तो लॉन्ग टर्म में देखो साइड में कैसा पिक्चर है इसका, वो पर्सन फैट हो जाता है। और जबकि वो सुबह फ्रेश फील करने के लिए एक्सरसाइज भी कर सकता था, जैसे नीचे शो किया हुआ है, शॉर्ट टर्म में तो वो थक जाएगा एक्सरसाइज करते करते, बट लॉन्ग टर्म में देखो वो कितना फिट दिख रहा है। तो इस तरह से ऑथर हमें समझाते हैं कि शॉर्ट टर्म में जो बैड हैबिट है वो हमें अच्छी लगती है, बट लॉन्ग टर्म में जो गुड हैबिट होती है जैसे एक्सरसाइज की, वही अच्छी होती है। उसके बाद आज की शेयरिंग को कंक्लूड करते हैं कि द अल्टीमेट पर्पज ऑफ हैबिट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ विद एज लिटल एनर्जी एंड एफर्ट एज पॉसिबल। मतलब हम सब चाहते हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करें। तो हैबिट बनाना सीखने का मकसद यही है कि हम हर चीज को, हर प्रॉब्लम को कम एनर्जी और एफर्ट से सॉल्व कर लें, ताकि हम नए नए एस्पेक्ट्स को, नए नए डायमेंशन को टच करते रहें और नया सीखते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू।